आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आईटीआर फाइलिंग करते वक्त टैक्सेस पेड, आपने जो टैक्सेस पे किए हैं, भले आपने एडवांस टैक्स पे किया हो या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हो, इन दोनों को अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, आप आईटीआर 1 फाइल कर रहे हैं, ठीक है, इसके बाद यहाँ पे टैक्सेस पेड के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। आप आईटीआर 2 भी फाइल कर रहे होंगे तो भी आपको टैक्सेस पेड का शेड्यूल जो है वो देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वहां पर एंटर करके आपको अंदर जाना है। अंदर जाने के बाद ऊपर ना सारे टीडीएस के डिटेल्स रहते हैं जो आपको फिल करने रहते हैं या फिर मोस्टली ऑटो पॉपुलेट हो जाते हैं। यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा टैक्स, एडवांस टैक्स पेड एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड। ठीक है, तो यहाँ पे शो डिटेल्स पे क्लिक करना है। अगर आपने पे किया है और यहाँ पे शो नहीं कर रहा है और आपके पास चलान है तो आप एड एनदर पे क्लिक करके वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स या फिर एडवांस टैक्स के डिटेल्स को आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने एडवांस टैक्स पे किया है और यहाँ पे ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा तो कैसे आप फिल करेंगे। यहाँ पे क्या करना रहता है, बेसिकली आपको बीएसआर कोड डालना पड़ता है जो कि चलान पे आपको देखने को मिल जाता है। ऐसा बीएसआर कोड देखने को मिल जाता है, 7 डिजिट का रहता है। एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे ऐड करते हैं। इसके बाद सीरियल नंबर जो रहता है वो 5 डिजिट का रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सीरियल चलान सीरियल नंबर लिख के आता है तो 5 डिजिट का रहता है, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। इसके बाद आपको डेट ऑफ डिपॉजिट भी यहाँ पे ऐड करना होता है तो डेट ऑफ डिपॉजिट भी लिखा रहता है, जो आप चलान पे किया ना आपने उस पर लिखा रहता है तो आपको वही सीधा चूज करना है। एग्जांपल लेते हैं 1 तारीख को पे किया था आपने। ठीक है, इसके बाद एग्जांपल लेते हैं पहले ही पे किया था आपने। ठीक है, तो मान लीजिए जनवरी में आपने पे कर दिया था, 2 जनवरी को एग्जांपल ले रहे हैं हम। इसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट रहेगा वो अमाउंट डाल देना। एग्जाम्पल लेते हैं 5000 का हमने पे किया था तो सीधा आपको एड पे क्लिक कर देना है, चाहे एडवांस टैक्स हो चाहे सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, सब में डिटेल्स यही रहते हैं तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। एग्जाम्पल लेते हैं अगर आपने 2 पे किए हैं ना तो एक तो आपने ऐड कर ही दिया है। ठीक है, इसके बाद वापस एक और ऐड करना है तो ऐड अनदर पे वापस आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम चीज़ें यहाँ पे फिल करनी है जो कि चलान पे आपको मिल जाता है और ऐड पे क्लिक कर देना है। तो आई होप आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि अगर आप एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स को अपने आईटीआर में दिखाना चाहते हैं और वो चीज़ें ऑटो पॉपुलेट नहीं हुई है तो आप कैसे दिखाएंगे। ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। एक और अनाउंसमेंट है, हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की सर्विसेज भी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में लिखिए आपको इन्वेस्टमेंट्स करना है, हम आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप हम कॉल पे कनेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, ठीक है, और आपके लिए कौन से फंड सही हैं। इसके बाद हम आपको इन्वेस्टमेंट्स करा के भी देंगे, आपको एप्लीकेशन भी प्रोवाइड करेंगे जिससे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सके कि आपकी करंट वैल्यू कितनी है, आपने इन्वेस्टमेंट्स कितना किया था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।